एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको लगता है कि मार्केटिंग एंड सेलिंग बहुत ज़्यादा सेम वर्ड्स है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। मार्केटिंग और सेलिंग में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, तो आज हम उसी के डिफरेंस के पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बिफोर स्टार्टिंग विद द डिफरेंस, मैं आपको सबसे पहले मार्केटिंग का एक मीनिंग क्लियर करना चाहती हूँ कि मार्केटिंग एग्जैक्टली होता क्या है। और वंस यू गेट द कंसेप्ट ना कि मार्केटिंग होता क्या है, आप अपने आप से मार्केटिंग और सेलिंग में डिफरेंस समझ जाएंगे। तो सबसे एक मेन इंपॉर्टेंट बात जब भी हम मार्केटिंग को पढ़ते हैं, हमें जो याद रखनी चाहिए दैट इज कि मार्केटिंग स्टार्ट्स विद कस्टमर्स एंड मार्केटिंग एंड्स विद कस्टमर। फाइन, तो मार्केटिंग जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट विथ कहाँ से, कस्टमर के साथ वो स्टार्ट होती है, ठीक है। एंड एंड्स विथ, एंड्स कहाँ पे होती है, वो भी कस्टमर के साथ होती है। ये चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि मार्केटिंग स्टार्ट्स विद कस्टमर्स एंड एंड्स विद कस्टमर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टार्ट विद कस्टमर एंड विद कस्टमर, इसका मतलब ये होता है कि मार्केटिंग जो है वो कस्टमर्स को माइंड में रख के स्टार्ट होती है, ठीक है, और ख़त्म भी होती है तो कस्टमर्स को माइंड पे रख के ख़त्म होती है। दैट मीन्स कि जब हम मार्केट में कोई भी सामान को या कोई भी प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने के लिए लाने वाले होते हैं, तो उससे पहले हम देखते हैं कि हमारे कस्टमर्स को चाहिए क्या है, ठीक है, उनकी नीड क्या है। सो दैट मीन्स मार्केटिंग स्टार्ट्स विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नीड्स एंड वॉन्ट्स ऑफ कस्टमर्स। तो मार्केटिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, कस्टमर्स की नीड एंड वॉन्ट क्या है उसको जानने से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं कि कस्टमर्स को हम क्या कर रहे हैं, कस्टमर्स की रिसर्च कर रहे हैं, वहाँ से वो स्टार्ट होती है, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि कस्टमर्स की नीड एंड वॉन्ट क्या है। जब हमें कस्टमर्स की नीड एंड वॉन्ट पता चल गई कि उनको ये पर्टिकुलर चीज़ चाहिए है, तो हम अब उसी पर्टिकुलर चीज़ का क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। फाइन, हम वही चीज़ मार्केट में लाएंगे। अब प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्शन करने के बाद क्या करेंगे, अब हम उस प्रोडक्ट को सेल करने के एफर्ट्स करेंगे, ठीक है। अब सेल होने के बाद भी हमारा काम खत्म नहीं हो गया कि चलो भाई अब हमारा प्रोडक्ट बिक गया तो हमारा काम खत्म हो गया, नो, ठीक है। मार्केटिंग क्या हुई, स्टार्ट कहाँ से हुई थी, कस्टमर्स से हुई थी, मतलब कस्टमर्स की नीड एंड वॉन्ट को आइडेंटिफाई करने से हुई थी। हमने ढूंढा कि कस्टमर्स को चाहिए क्या, फिर हमने उनकी नीड एंड वॉन्ट के अकॉर्डिंग क्या किया, प्रोडक्शन किया। अब प्रोडक्शन करने के बाद हमने क्या कर दिया, उनको उस प्रोडक्ट को बेच भी दिया। अब बेचने के बाद हम क्या कर देखेंगे कि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो सेटिस्फाई भी हुए हैं या नहीं हुए, ठीक है। हम उनको, दैट मीन्स यहाँ पे हम उनको क्या देते हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज भी देते हैं। अगर वो सेटिस्फाई नहीं हुए, सपोज आपके प्रोडक्ट में कोई भी प्रॉब्लम आ गई, तो हम उसको गारंटी दे रहे हैं, उसकी गारंटी दे रहे हैं। दैट मीन्स हमने कहाँ किया, उसका एंड भी कहाँ किया, कस्टमर से किया, मतलब कस्टमर्स को सेटिस्फाई करके किया, ठीक है। अब देखो मार्केटिंग क्या है, कस्टमर्स की नीड एंड वॉन्ट को आइडेंटिफाई करना, नीड एंड वॉन्ट को आइडेंटिफाई करने के बाद वही चीज़ मार्केट में लेकर आना, उसी को सेल करने के एफर्ट्स करना, एंड लास्ट में उससे कस्टमर्स को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करने के लिए एफर्ट्स करना। फाइन, अब सेलिंग कहाँ आया यहाँ पे, ये तो एक वर्ड यहाँ पे आया सिर्फ, दैट मीन्स ये क्या है, सेलिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। फाइन, सेलिंग जो है उसका जो स्कोप होता है दैट इज़ वेरी वेरी लिमिटेड, वो तो सिर्फ मार्केटिंग का एक पार्ट है। फाइन, तो इसका मतलब मार्केटिंग और सेलिंग तो सेम हो ही नहीं सकते, तो इसका सिर्फ पार्ट है, ठीक है। मार्केटिंग तो बहुत पहले स्टार्ट हो गया था, है ना, सेलिंग तो बहुत बाद में आया, तो दैट मीन्स मार्केटिंग एंड सेलिंग बोथ आर डिफरेंट। नाउ अब हम इसके डिफरेंस के पॉइंट्स को समझते हैं, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मार्केटिंग का मीनिंग अगर अच्छे से क्लियर हो गया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड देन यू विल स्टार्ट विद द डिफरेंस। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, मार्केटिंग का सेलिंग का फोकस किस पे होता है या उसका स्कोप क्या है। तो जो स्कोप है ना सेलिंग का, वो बहुत लिमिटेड सा होता है। ऑब्वियसली हमने यहाँ देख ही लिया कि सेलिंग तो कहाँ आ रहा है ना, यहाँ पे आ रहा है, जिसमें हमने तो कुछ भी नहीं देखा, प्रोडक्शन भी नहीं देखा इवन किस चीज़ का करना है हमने, तो हमारा तो प्रोडक्शन के बाद आता है सेलिंग। तो सेलिंग का जो स्कोप है दैट इज़ वेरी लिमिटेड, सेलिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, ये तो सिर्फ इसका एक पार्ट है, ठीक है। और मार्केटिंग का जो स्कोप है दैट इज़ अ वाइडर स्कोप, इसमें तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि इसमें तो कस्टमर्स की नीड एंड वॉन्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है, उनको चाहिए क्या है, उसी का प्रोडक्शन किया जाता है, उसी को सेल किया जाता है, और उसी को कस्टमर्स को उसी चीज़ से उनको सेटिस्फेक्शन भी प्रोवाइड किया जाता है। तो मार्केटिंग हैज़ अ वाइडर स्कोप। नेक्स्ट इज फोकस या ट्रांसफर ऑफ टाइटल, ठीक है।
देखो यहाँ से, यहाँ क्या होता है कि हमारा मेन फोकस क्या होता है कि जो भी हमने प्रोडक्शन किया है ना, प्रोडक्शन हमने कैसे किया, अपने हिसाब से जो मैं बनाना चाहती थी मैंने वही बनाया। मुझे तो भैया फ्राइड राइस बहुत अच्छे बनाने आते हैं, मैं तो वही बनाऊंगी और वही मार्केट में बेचूंगी। मैंने नहीं देखा कि मार्केट में लोगों को फ्राइड राइस पसंद भी है, उसकी डिमांड भी है या नहीं है। बस मुझे इतना पता है कि मुझे तो फ्राइड राइस बनाने आते हैं, मैं वही बनाऊंगी और वही बेचूंगी। सो दैट मीन्स मैं क्या चाहती हूँ कि जो भी मेरा प्रोडक्ट है उसका पोजीशन मेरे पास से तुम्हारे पास चला जाए। दैट इज़ व्हाट आई वांट इन सेलिंग। ठीक है, तो सेलिंग में क्या होता है कि हम जो पोजीशन ऑफ प्रोडक्ट्स है वो सेलर से कस्टमर्स के पास चला जाता है, दैट्स इट। और यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ हम देखते हैं कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन को हमारा मेन हमारा फोकस होता है, कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने में। सेलिंग में क्या था, सिर्फ जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया है उसको अपने कस्टमर के पास पहुँचाना। और मार्केटिंग में हमारा फोकस क्या होता है कि हमें हमारे कस्टमर्स को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देना है। दैट मीन्स हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन इसमें मस्ट होता है, इसमें हमारा फोकस होता है कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने में। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज हमारा एम क्या होता है। देखो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो ऑब्वियसली चाहिए ही चाहिए, जब चाहे आप किसी प्रोडक्ट को बेच रहे हो या फिर मतलब सेलिंग कर रहे हो या फिर आप मार्केटिंग कर रहे हो, दोनों में कंपनी को प्रॉफिट तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन सेलिंग में क्या होता है, हम सिर्फ बाय हुक और बाय क्रुक अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं और प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। ठीक है, चाहे हम कई बार तो मतलब मिसलीड करके भी या मिस गाइड करके भी प्रोडक्ट को बेच देते हैं। ठीक है, तो एम हमारा क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्रू। हमारा मेन एम क्या है कि सेलिंग, हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है सेल करके। ठीक है, और मार्केटिंग में हमारा मेन एम क्या होता है कि हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज तो करना है, बट कैसे करना है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ। मतलब कस्टमर्स भी हमारे जो है वो सेटिस्फाई होने चाहिए, वो भी हमें सेटिस्फाई चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज स्टार्ट एंड एंड ऑफ एक्टिविटीज। सेलिंग स्टार्ट कहाँ से होता है, आफ्टर द प्रोडक्ट हैज़ बीन डेवलप्ड। आफ्टर द प्रोडक्ट हैज़ बीन डेवलप्ड मतलब प्रोडक्ट डेवलप हो चुका है, प्रोडक्ट हम बना चुके हैं, उसके बाद मार्केटिंग और उसके बाद सेलिंग आता है। जैसे कि मैंने देखो यहाँ पे बताया यही है कि सेलिंग कब आया, जब प्रोडक्शन हो चुका है, प्रोडक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद सेलिंग आता है। ठीक है, तो प्रोडक्शन के बाद सेलिंग आता है। तो स्टार्ट क्या है इसका, सेलिंग एक्टिविटी स्टार्ट आफ्टर द प्रोडक्शन हैज़ बीन, कहाँ से आता है, सेलिंग एक्टिविटी स्टार्ट आफ्टर द प्रोडक्शन हैज बीन डेवलप। प्रोडक्शन हो चुका है, मैंने जो बनाना था मैंने वो बना दिया, अब मैं उसको सेल करने के लिए निकली हूँ। लेकिन मार्केटिंग में क्या होता है, मार्केटिंग तो प्रोडक्शन से भी पहले स्टार्ट हो जाती है। कब से स्टार्ट होती है मार्केटिंग, कब से स्टार्ट होती है, रिमेंबर मैंने अभी बताया था, कस्टमर्स की नीड एंड वॉन्ट को आइडेंटिफाई करने से। ठीक है, तो मार्केटिंग एक्टिविटीज मच बिफोर प्रोडक्ट के डेवलप होने से पहले ही स्टार्ट हो जाती है। हम पहले देखते हैं कि हमारे कस्टमर्स को चाहिए क्या है, उसके बाद हम प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज एम्फेसिस। हमारा मेन एम्फेसिस किस में होता है, हमारा मेन एम्फेसिस किस में होता है, बेंडिंग द कस्टमर्स अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट। जैसा भी हमारा प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम अपने कस्टमर्स को बेंड करना चाहते हैं। मतलब जो भी हमारा प्रोडक्ट है वही तुम्हें पसंद आना चाहिए, दिस इज व्हाट वी आर ऑफरिंग और यही तुम्हें लेना है और यही तुम्हें सेल करना है। ठीक है, लेकिन हमारा मार्केटिंग में मेन एम्फेसिस क्या होता है, डेवलपिंग द प्रोडक्ट एज पर द कस्टमर्स नीड। कस्टमर्स की नीड एंड वॉन्ट के अकॉर्डिंग ही हम मार्केट में वो प्रोडक्ट लेकर आते हैं। फाइन, उसके बाद लास्ट इज स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्या होता है कि सेलिंग, व्हाट हैपेंड, स्ट्रैटेजी, देखो स्ट्रैटेजी क्या है, सेलिंग इन्वॉल्व एफर्ट्स लाइक प्रमोशन एंड पर्सुएशन। स्ट्रैटेजीज में क्या है कि हम सेलिंग में क्या करते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं, सेल तो करने के लिए एफर्ट लगाते ही हैं, लेकिन कैसे प्रमोशन करते हैं और लोगों को पर्सुएट करते हैं कि ठीक है हमने ये प्रोडक्ट बनाया आप इस ट्राई करो और ले लो। लेकिन मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, मिक्स इंटीग्रेटेड अप्रोच को यूज़ करते हैं। हमारा जो मेन जो स्ट्रैटेजी होती है वो क्या होती है कि मार्केटर जो होता है वो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग एफर्ट्स को यूज़ करता है, जहाँ पे वो प्रोडक्ट को मार्केट में पर्सुएट भी करता है, उसका प्रमोशन भी करता है, उसकी प्राइसिंग भी उस अकॉर्डिंग करता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत प्रॉपर तरीके से करता है, ताकि कस्टमर्स को राइट टाइम पे वो अवेलेबल भी हो जाए। तो हम हर चीज़ की स्ट्रैटेजी प्रॉपर बनाते हैं, हमारा प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, कस्टमर्स की नीड एंड वॉन्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, प्राइसिंग कैसे होने चाहिए, जितना हमारे जो कस्टमर्स हैं वो हमें पे कर सकते हैं उतना होना चाहिए, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होगा, राइट टाइम पे उनको अवेलेबल भी हो जाना चाहिए। तो हम हर चीज़ का टेक केयर करके फिर अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आते हैं। तो वहाँ पे हमारी स्ट्रैटेजी क्या होती है, हम हर चीज़ में कस्टमर्स को सेटिस्फेक्शन देना चाहते हैं, और सेलिंग में हमारी स्ट्रैटेजी क्या होती है कि हमें सिर्फ उनको प्रसुएट करना है कि हमारा प्रोडक्ट लो, और लेने के लिए ही उन्हें हमेशा हम
हम एफर्ट मतलब वो उसको बेचने के लिए हम सिर्फ एफर्ट्स करते रहते हैं, रदर देन कि हम ये नहीं देखते कि उनको राइट टाइम पे अवेलेबल करा रहे हैं या नहीं करा रहे, प्राइसिंग हमने किस तरीके से रखा है। हमारी मेन स्ट्रैटेजी होती है सिर्फ उन्हें परसुएट करने की। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। सो मेन चीज़ हमें इसमें क्या ध्यान रखनी है कि सेलिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग एंड मार्केटिंग इज अ वाइडर टर्म या वाइडर कंसेप्ट। ठीक है, सो होप मीनिंग क्लियर हो गया होगा एंड सेलिंग और मार्केटिंग में जो मेजर डिफरेंसेस हैं वो भी क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।